हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, मेरा नाम है फिरोज और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सॉल्यूशन या तो फिर कुछ ना कुछ एक नया अपडेट लेकर आता हूं। तो दोस्तों, ऐसे ही जो कि आज होली है तो हैप्पी होली सबको, और शबे बारात भी है तो सबको शबे बारात की भी मुबारक। और फ्रेंड्स, रमज़ान शरीफ आने वाला है तो सबको एडवांस में रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। और फ्रेंड्स, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि रमज़ान है और कोर्स के लिए आने के लिए सोच रहे हैं, अगर कोई आना चाहते हैं रमज़ान को लेकर के, क्योंकि 27 मार्च से हमारा बैच है तो 2 अप्रैल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, रोज़े आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे आपको नमाज वगैरह के लिए प्लेस है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नमाज के लिए जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो नमाज के लिए यहाँ पे जगह हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारी प्लेस हमने नमाज के लिए रखी है। इसके अलावा अगर बात करें तो रोज़े के लिए इफ्तार का जो होता है फ्रेंड्स, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से रहेगा, आपको कोई इसमें टेंशन नहीं है। और कोशिश करेंगे शहरी में भी आपको कहाँ से हम अरेंज करवा सकते हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि आपको शहरी में भी आसानी हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। एंड्रॉयड का कंप्लीट बैच जो है 27 मार्च से है। दोस्तों, हम एंड्रॉयड के अंदर बहुत कुछ नया अपडेट लेकर आने वाले हैं और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, शॉटिंग को लेकर के, हॉफ शॉटिंग को लेकर के, लीकेज को लेकर के, या फिर आपको पावर सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है, बूट सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा है कि मोबाइल कैसे ऑन हो रहा है, तो ये आपको सब कुछ हम क्लास में बताएंगे। फ्रेंड्स, एक एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर जितना भी काम होता है, चाहे वो हार्डवेयर का हो, चाहे सॉफ्टवेयर का हो, चाहे MMC प्रोग्रामिंग का हो, या आपको हम सर्किट लेवल पे, डीपली लेवल पे, पूरा एडवांस, सुपर एडवांस और चिप लेवल पे आपको यहाँ पे हम सिखाने वाले हैं। फ्रेंड, 20 दिन की क्लास में 10 घंटा हर रोज क्लास होती है आपकी, जिसमें 8 घंटा हम प्रैक्टिकल आपसे करवाएंगे और 2 घंटा हम थ्योरी कराएंगे। और अभी रमजान के महीने में फ्रेंड्स, हम 2 घंटा एक्स्ट्रा हम हमारी क्लास लगाएंगे, हो सके तो हम सुबह 8 बजे से हमारी क्लास लगाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल में एक्स्ट्रा टाइम दे सके। तो ऐसे कोई बंदे हैं जो रमजान को लेकर के नहीं आ रहे हैं, तो वो बंदों के लिए मैं छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है, आप आना चाहे तो आ सकते हैं। सहरी अफ्तार का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप, हम अरेंज करवा देंगे आपको। और रही बात फ्रेंड्स नमाज वगैरह के लिए, हमारे पास बहुत सारी प्लेस है जिसके अंदर आपको नमाज भी आपको इंस्टीट्यूट में ही पढ़ना होगा। और जो हॉस्टल से लेके इंस्टीट्यूट जो है बहुत ही पास में, ज्यादा दूर भी आपको नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस है। तो एंड्रॉयड का जो बेसिक टू एडवांस कोर्स है जो 20 डेज का, इसके अंदर हम बहुत कुछ ऐड कर चुके हैं फ्रेंड। जो कोर्स के अंदर हम दिन ब दिन अपडेट लाते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर आते जा रहे हैं जो कि आपने पहले कभी सुना नहीं, इस तरह की काफी सारी ऐसी चीजें हम आपको सिखाएंगे। एंड्रॉयड कंप्लीट कोर्स जो है, बेसिक टू एडवांस जो हमारा 20 डेज का कोर्स है, इसमें हम आपको फॉल्ट फाइंडिंग और आपको शॉटिंग वगैरह निकालने में प्रॉब्लम आ रही है या डेड मोबाइल बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चे लीकेज में फंस जाते हैं, लो लीकेज होता है या लो CPU बूटिंग उठाता है, या अगर आप DC में चेक करेंगे तो वहां पे आपको बहुत ही लो एम्पियर वहां पे देखने को मिलेगा, कुछ ऑटो एम्पियर देखने को मिलेगा या हाई एम्पियर देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्या होता है, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, कौन से सेक्शन पे काम करना है, कौन सी लाइंस में काम करना है। मोबाइल जब डेड हो जाता है फ्रेंड्स, तो वहां पे कोई ना कोई लाइन ओपन हो जाती है या कोई ना कोई लाइन शॉर्ट हो जाती है। तो शॉटिंग के केस में फ्रेंड्स, बहुत सारे आपको ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, प्राइमरी शॉटिंग होती है, सेकेंडरी शॉटिंग होती है, या फिर CPU से शॉटिंग होती है, या पावर AC से है, या DC-DC IC से शॉटिंग है, या कोई IC-IC से शॉटिंग है। जैसे काफी सारे बार आप देखते हैं Wi-Fi और नेटवर्क वगैरह में शॉटिंग होती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे कि आप वो DC की स्विचिंग से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकेंडरी शॉटिंग है, प्राइमरी शॉटिंग है, या कहां पे आपको शॉटिंग है, कैसे आपको पहचानना है। फ्रेंड, बहुत सारे शॉटिंग निकालने के तरीके होते हैं, बहुत सारी टिप्स होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, और चेकिंग करने का मेथड आपको आना चाहिए, मल्टीमीटर को चलाना आपको आना चाहिए, तो आप बहुत ही अच्छे से आप काम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमेशा एक IC से ही फॉल्ट नहीं आता है, अगर आप IC निकाल के डाल रहे हो कोई भी सेक्शन में फॉल्ट है, अगर वो रिपेयर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, ये हम आपको बताएंगे। दोस्तों, जहां तक आपका चेकिंग का प्रोसेस है, आप जाकर के कहीं पे रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, उसके आगे आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे चेक करें कि पावर AC सही है कि नहीं है, कैसे चेक करें कि पावर AC अपने आउटपुट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, CPU अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, DC-DC IC अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। चार्जिंग में दोस्तों काफी सारे फॉल्ट आते हैं, फेक चार्जिंग आता है,
चार्जिंग शो नहीं होता है, ये एक प्रॉब्लम आता है। आपका चार्जिंग बढ़ता नहीं है, रिवर्स चार्जिंग होता है, ये एक प्रॉब्लम आता है। मोबाइल चार्जर से ऑन होता है और बैटरी से ऑन नहीं होता है, ये एक तरह का प्रॉब्लम आता है। टेम्परेचर टू लो, टेम्परेचर टू हाई, इस तरह का आपका प्रॉब्लम आता है। ऑटो शट डाउन 5 सेकंड, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। प्लीज अनप्लग द चार्जर, योर मोबाइल विल शट डाउन विद इन 5 सेकंड, इस तरह का फॉल्ट आता है। टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, वीवो के शटडाउन में प्लीज कॉन्टैक्ट सेल्स सर्विस, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे काफी सारे फॉल्ट है फ्रेंड जो कि आपको हम क्लास के अंदर बताएंगे। दोस्तों जितने भी आपके पास फॉल्ट आते हैं आपके शॉप में आप लेकर आ सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन बताएंगे कैसे उसको रिपेयर करना है। बहुत ही इजी वे में आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मालूम होगा आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते। आपके पास एक प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर हैंड स्किल का काम चाहिए, एक सर्किट डायग्राम की एक अच्छी सी नॉलेज चाहिए, पीसीबी की नॉलेज चाहिए, वोल्टेज मेजरमेंट आपको आना चाहिए, कहां पे क्या वोल्टेज कब आता है ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपको फोनफिक्स हैदराबाद इंडिया के अंदर एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो कि आपको छोटे से लेकर के एक बेसिक से लेकर के पूरा एक्स वाई जेड तक आपको हम बताते हैं यहां पर। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ शॉर्टकट मेथड में आपको पढ़ाते हैं, बिल्कुल डीपली लेवल में आपको पढ़ाते हैं, ताकि कल के दिन कोई नया हैंडसेट आ जाए, कुछ नया डायग्राम आ जाए तो आप उसे रीड कर सकते हैं। दोस्तों हमारे पास का हर बच्चा सर्किट डायग्राम रीड करना ये सीख कर जाता है, और हैंड स्किल का काम में ऐसा वो काम करते हैं, चाहे वो नॉर्मल आईसी हो, पेस्टेड हो, व्हाइट पेस्टेड हो, ब्लैक पेस्टेड हो, डुअल डेकर सीपीयू हो, सब कुछ आपके हाथ से हम करवा के यहां से भेजते हैं। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे जो कोर्स के दौरान जो हैंडसेट बनते हैं 60-70-100 के आसपास हैंडसेट बनते हैं, जिसके अंदर फ्रेंड्स हम सिर्फ डायग्नोस करना नहीं बताते हैं, सिर्फ चेक करके हम बता नहीं देते आपको कि ये करिए ये करिए हो जाएगा। दोस्तों हम आपसे करवा कर सेट को बनवा कर भेजते हैं। आप देखिए हमारे पिछले बैचेस में कितने बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयर करके लेके जाते हैं। अगर आप हमारे यहाँ पे आते हैं तो 10 से 15 हैंडसेट, 20 हैंडसेट ला सकते हैं, हम आपसे रिपेयर करवा के भेजाएंगे। दोस्तों इंडिया के अंदर ऐसा देखा जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस करके भेज देंगे, या तो फिर जाके आपको कर लो बोलेंगे। हमारे पास ऐसा नहीं होता फ्रेंड, हम खुद रिपेयर आपके साथ क्लास में हम लाइव रिपेयर करके बताते हैं, आपसे हैंडसेट लेंगे, आपका ही हैंडसेट हम रिपेयर करेंगे। दोस्तों इंस्टीट्यूट का हमारे कोई हैंडसेट नहीं होता है, जितने भी हैंडसेट हम रिपेयर करते हैं वो सब आपके आंसर होते हैं। प्रॉब्लम आप लाइए, सोल्यूशन हम देंगे आपको। कौन से मॉडल पे आपको डायग्राम सीखना है, चूज आप करेंगे डायग्राम और हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे हम। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है वो आपकी चॉइस से होता है, आपकी पसंद से हम पढ़ाते हैं। हमारा यहाँ पे कोई नहीं होता है, हमारा कोई हैंडसेट नहीं होता है। हैंडसेट आप लाएंगे, फॉल्ट आप लेकर आएंगे, लाइव क्लास के अंदर रिपेयर करेंगे, लाइव क्लास के अंदर डायग्नोस करेंगे, जो कि आपके सामने हम रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि आप हैंडसेट हमको दे दो, हम 2-4 दिन रख लेंगे, उसे रिसर्च करेंगे, देख कर लाएंगे और आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। जितने हैंडसेट इंडिया के अंदर जो बच्चे लेकर हमारे पास आते हैं सब लाइव हम रिपेयर करके बताते हैं। चाहे हमारे किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए, हम पहले से कभी डायग्नोस नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूट का कोई सेट नहीं होता है, जितने भी सेट्स होते हैं स्टूडेंट्स अपने साथ लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको ऐसा टेक्निक, ऐसे ट्रिक्स दिखाएंगे, ऐसा सिखाएंगे आपको, क्योंकि फ्रेंड्स काउंटर पे जाने के बाद आपको काम करना है, टीचर को काम नहीं करना है। फ्रेंड्स टीचर अगर काम कर रहा है, आपका मास्टर काम करके दिखा रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मोबाइल आपको बनाने आना चाहिए, क्योंकि आपके काउंटर पे आप बैठे रहेंगे, कस्टमर का हैंडसेट होगा, आपकी आपकी नॉलेज होगी, आपका हैंड स्किल होगा, आपको रिपेयर करना होगा। तो फ्रेंड्स हमारा आपके साथ सपोर्ट रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे, टेलीग्राम के ग्रुप्स रहेंगे, आप कॉल कर सकते हैं, हमारे पास 4 से 5 फैकल्टी होते हैं, कोई ना कोई 100% आपको रिप्लाई देते हैं हमारे ग्रुप के अंदर। हमारा सपोर्ट इतना अच्छा है, सिस्टम सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, हमारा कॉलिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि कभी हम बच्चे को नाराज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ जाइए, फोन फ्रिक्स हैदराबाद इंडिया का ऐसा बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है जो कि आने वाले समय में हर बच्चे के साथ बैठकर उसको काम सिखाएगा, उसके अपडेट करवाएगा, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। आपका काम वापस जाने हम नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। फ्रेंड्स जो आप सीख कर जाओगे हमारे पास से, 2 महीना अगर आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे, कोई सेट आपका रिटर्न नहीं जाएगा। ये फोन फिक्स की पूरी टीम की तरफ से हमारा वादा है कि आपका कोई सेट वापस जाने नहीं देंगे, चाहे वो हार्डवेयर का फॉल्ट हो, चाहे सॉफ्टवेयर का फॉल्ट हो, चाहे एमएमसी प्रोग्रामिंग का फॉल्ट हो। तो फ्रेंड जल्दी से कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, जुड़ जाइए फोन विद हैदराबाद टीम के साथ।
हमारा मार्च की बुकिंग चल रही है, अप्रैल की बुकिंग चल रही है, हमारी एमएमसी कोर्स का भी बुकिंग चल रहा है 17 अप्रैल से। एमएमसी का कोर्स है यूएफआई इजी अटैक के साथ साथ आईसी रिवॉल्विंग पेस्टेड आईसी, व्हाइट पेस्टेड आईसी, डुअल डेकर सीपीयू, ब्लैक पेस्टेड हार्ड ग्लू आईसी, कैसे खोला जाता है, कैसे क्लीन करा जाता है, ये सब कुछ हम फ्री सिखाते हैं उसके अंदर। डुअल डेकर का कोर्स बिल्कुल फ्री होता है हमारे एंड्रॉइड और एमएमसी के कोर्स में, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है आपसे, कोई रहने का फीस नहीं होता है, कोई लाइफ टाइम सपोर्ट का फीस नहीं होता है। दोबारा अगर आप आएंगे दोबारा भी हम कोई फीस आपसे चार्ज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, ये इंडिया का एक पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है, आपका भला ही भला है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, जो होता है ओपनली बोलते हैं। फ्रेंड्स, जाकर देखिए हमारे बच्चों को, फोन फिक्स हैदराबाद के फेसबुक पेज पे देखिए, डेली उनके पोस्ट में डालता हूं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आइए, व्हाट्सएप स्टेटस में आइए, आप जो 8639124 नंबर है मेरा, इसके व्हाट्सएप स्टेटस पे देखिए, जितने हमारे बच्चे डेली काम करते हैं उन्हीं के पोस्ट में लगाता हूं वहां पे। आप हमारे यूट्यूब पर जाइए, बच्चों से हम लाइव प्रैक्टिकल क्लास के अंदर हमने डुअल डेकर बनाए, ब्लैक पेस्टेड बनाए, एमएमसी प्रोग्रामिंग कराई है, पूरे इंडिया के सारे इंस्टीट्यूट से घूम घूम कर बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और एक अच्छे लेवल पर सीख कर जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आना है आ सकते हैं, अपने आप को अपडेट करना है कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज जरूर देखिए किसी भी इंस्टीट्यूट को जाने से पहले, कि उनके बच्चे किस तरह का वहां पे काम कर रहे हैं, उनके टीचर का हैंड स्किल की नॉलेज कैसी है। दोस्तों, ये मत देखिए, बड़ा नाम मत देखिए, बड़ा सिटी मत देखिए, पास में इंस्टीट्यूट कौन सा पड़ता है ये मत देखिए। आप जब अपने आप को अपडेट के लिए जा रहे हैं फ्रेंड, तो ये देखिए कि आपको सीखने क्या मिल रहा है, जो पहले के बच्चे किस लेवल पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, हजारों बच्चे सीखकर जा रहे हैं लेकिन उनका कोई रिजल्ट नहीं है, वो कहीं पे आपको काम करते हुए दिखेंगे नहीं। हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, हमारे यूट्यूब के कम्युनिटी पे जाइए, यूट्यूब की कम्युनिटी में जाके देखिए, जो बच्चे डेली काम कर रहे हैं उनके पोस्ट में वहां पर डालता हूं। दोस्तों, जब बच्चे सीखकर जा रहे हैं तो वो 100% काम करना चाहिए, उनका रिजल्ट दिखना चाहिए, उनके सेट्स बनने चाहिए। अगर आप सीखकर जा रहे हैं तो ऐसा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। फ्रेंड्स, ये मत देखिए क्या ऑफर दे रहे हैं, दशहरे का ऑफर क्या है, दिवाली का ऑफर क्या है, होली का ऑफर क्या है, ऑफर्स बिल्कुल मत देखिए आप, क्योंकि फ्रेंड्स ऑफर में मिलने वाली चीज में क्वालिटी नहीं होती है, उसमें दम नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारे पास आइए, आप आपको ऐसा ट्रेन करके भेजेंगे, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट देंगे, लाइफ टाइम आपको हम हेल्प करते रहेंगे, दोबारा एनी टाइम कभी भी हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो बच्चे सीख कर जा चुके हैं फ्रेंड, दोबारा कभी आते नहीं है, क्योंकि उनको इतना मिल जाता है, उनको हम तरीका बता देते हैं कि रिसर्च कैसे करना है, आगे अपने आप को अपडेट कैसे करना है, अपने काम को अपडेट कैसे करना है, अपने आप को अपडेट कैसे करना है। क्योंकि फ्रेंड, जब आपको हैंड स्किल का काम आ जाता है, जब आपको सर्किट की नॉलेज आ जाती है, तो आप दोबारा किसी इंस्टीट्यूट में दिखेंगे नहीं, दोबारा कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारे यहां पे इस लेवल का आपको ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, जुड़ जाइए फोनफिक हैदराबाद टीम के साथ, अपने आप को अपडेट करिए, अपने बिजनेस को अपडेट करिए और अपनी इनकम को बढ़ाइए और एक अच्छे से काम करिए, एक अच्छा टेक्नीशियन बनिए। दोस्तों, झोला छाप या फिर जुगाड़ू वाला काम मत करिए। यहां पे हीट मार दो, यहां पे पेज डाल दिए, हीट मार दिए, कोई कंपोनेंट निकाल दिए, कहीं पे ट्रैक जंपर मार दिए, ऐसे काम नहीं होता फ्रेंड्स। आप क्यों हीट मार रहे हैं? हीट मारने से कोई सेट ऑन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो आप बंद करके कस्टमर को दे देंगे। दोस्तों, आपके पास सेट आता है तो उसे सेम कंडीशन में रखिए, ताकि दूसरा टेक्नीशियन भाई उसको रिपेयर कर सके। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है प्रॉपर, तो आप उसे खराब भी मत करिए। जिस कंडीशन में आया उस कंडीशन में कस्टमर को रिटर्न दीजिए, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो आप पहले नॉलेज लीजिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके, अपने आप को अपडेट करिए, सर्किट की नॉलेज अच्छे से सीखिए, वोल्टेज मेजरमेंट सीखिए, पीसीबी को बनाने का तरीका सीखिए, उसके बाद पीसीबी पे काम करिए। यूट्यूब देख देख कर फ्रेंड्स आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, आगे वाला बंदा बना रहा है तो सेम प्रॉब्लम आपके पास आना जरूरी नहीं है, प्रॉब्लम कहीं से भी आ सकता है, कोई भी सेक्शन ले लीजिए, 10 से 15 वहां पे ऐसे प्रॉब्लम आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आपको ये डायग्नोस करने आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहां से है, ये डायग्नोस करना वो सिखाती है फोनफिक्स हैदराबाद की टीम आपको। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। दोबारा फ्रेंड्स, हैप्पी होली एंड हैप्पी शबे बरात एंड हैप्पी रमजान, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें।